ठाणे देशन मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम फर्स्ट रामपुरी ठाणे में आए हैं, जहां पर गुलबहार अंसारी, जहां पर मदरसा मखदूम अशरफ, जहां पर इमरान अशरफी साहब हाफिज यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, और आने वाले 155वां महाना मखदूम सरकार की फातिहा खानी का यहाँ पर इनेकाद किया गया, साथ ही लंगर का भी इंतजाम किया गया। तो हम हमारे चैनल में हजरत आपका खैर मकदम करते हैं। जरा आने वाले 155वें जो आप आने वाली जनवरी की 13 तारीख को जो प्रोग्राम का इंतजाम या कमेटी में आप जो ये शुरुआत कर रहे हैं, इसके बारे में जरा एक रोशनी डाल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो थाने दहशत मीडिया के नाम से चलता है, ये बताना चाहता हूँ बड़ी ही खुशी और मसरत के साथ, इस मदरसा अता अशरफ जो गुलबहार अंसारी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे चलता है, 2011 से ये मदरसा कायम किया गया फैदान मखदूम अशरफ ट्रस्ट के एहतमाम में, और फिर साथ ही साथ 2012 से सरकार मखदूम अशरफ की जो विसाल की तारीख 28 मुहर्रम है, तो 28वीं शब में यहाँ हर महीना ज़िक्र की महफ़िल होती है, नात की महफ़िल होती है और बयान की महफ़िल होती है, और साथ ही साथ जितने भी लोग आते हैं उनके लिए लंगर का इंतज़ाम रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से ये सिलसिला चला और चलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते आज की ये 28वीं शब है, ये 154 महीने मुकम्मल हो रहे हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी एक या दो आदमी जो है इस सिलसिले को बरकरार रखा गया, एक दो आदमी जमा होकर के फातिहा दे देते थे कि ये सिलसिला टूटने ना पाए। रजबुल मुरजब का महीना जैसे शुरू होगा तो हमारी 155वीं महाना मखदूमी 28वीं शरीफ होगी, जिसकी हम सबको खानकाह अता अशरफ के जितने भी लोग हैं यहाँ आते हैं इससे मुंसलिक है, खुशी का माहौल है। तो हमने 155वें महाना मखदूमी फातिहा के मौके पर हमने एक मंसूबा तैयार किया, राय मशवरा किया, तो सब ने ये बइत्तफाक राय कहा कि रजब का महीना शुरू हो रहा है जो सरकार सुल्तानुद्दीन गरीब नवाज का महीना है, तो एक कॉन्फ्रेंस की जाए। तो इंशाल्लाह 13 जनवरी 2024 बरो शनिचर को शाम को 7 बजे से बाद नमाज मगरिब से रात को 10 बजे तक सरकार सुल्तानुल हिंद और सरकार मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के 50 से ज़्यादा जो है उलमा इलाके के और पूरे मुंबई से जो है तशरीफ़ लाएंगे, बिलखसूस हुजूर मज़हरुल मशायख सैयद मज़हरुद्दीन अशरफ साहब क़िबला, शहज़ादे गौसे आज़म हुजूर अशरफुस्सूफ़िया सैयद अशरफ साहब क़िबला ख़तीब इमाम बावला मस्जिद, शहज़ादे हुजूर शहीद राही मदीना हज़रत सैयद हुसैन अशरफ साहब क़िबला मुंबई, वो भी तशरीफ़ लाएंगे, और जिनका ख़ुसूसी ख़िताब होगा शहज़ादे गौसुल आज़म फ़ाज़िले बगदाद शहनशाह ख़िताबत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद मोहम्मद सलमान अशरफ अशरफुल जीलानी साहब क़िबला का ख़ुसूसी ख़िताब होगा, और इफ्तिताही ख़िताब मुफ्ती अहले सुन्नत ख़तीब अहले बैत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वक़ारी मुफ्ती मंज़र अशरफी साहब क़िबला का इफ्तिताही ख़िताब होगा, और हमारे इलाके के राबूड़ी के थाने के मुलुन के रोली के मुमरा के गढ़ हर जगह के उलमा व अइम्मा भी जो है तशरीफ़ लाएंगे, हमारे इस प्रोग्राम को जीनत बख्शेंगे। अवाम अहले सुन्नत से भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएँ और सरकार गरीब नवाज सरकार मखदूम अशरफ के फैज़ान से मालामाल। जैसे कि दर्शकों, आपने देखा कि हाफिज इमरान अशरफी साहब ने बाखूबी 155वें उरूस को किस तरीके से यहाँ पर 13 जनवरी को मनाया जाएगा, और मेहमान खुसूसी में उन्होंने तमाम बुज़ुर्गों के नाम कह दिए जो इस सुल्तानुल हिंद के मौके पर और सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मौके पर वो किस तरीके से इस प्रोग्राम को अंजाम देंगे। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो उम्मत है वो ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए, और इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को आप देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।